सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हैं खोज डील और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज का ये जो जमाना है ना बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे आसपास होने लगी है और लैपटॉप्स हो गए, वो स्मार्टफोन्स हो गए या फिर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल बन चुका है और उसी डेटा को हमें ट्रांसफर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एक चीज़, उस चीज़ का नाम है कार्ड रीडर या फिर अगर हम उसे कहें तो OTG। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही एक गैजेट लेके आया हूँ जिसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साइड में। इस चीज़ की खास बात यह है कि ये आपके लैपटॉप में भी लग जाता है, आपके फोन में भी लग जाता है। तो चलिए दोस्तों इसकी ही अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसका जो ब्रांड है वो है ब्रांड कॉनकॉर करके, इसका नाम है कॉनकॉर करके या फिर थोड़ा हार्डली टू प्रोनाउंस है, बट ये एक ऐसा कार्ड रीडर है जो OTG भी है और USB का भी काम करता है। ये आपके फ़ोन में भी अटैच हो जाता है और आपके लैपटॉप के अंदर भी अटैच हो जाता है। Type-C भी है इसके अंदर। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, एक छोटा सा डिवाइस कितना प्यारा दिखता है दिखने में, इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा और बहुत सारे इसके ऐसे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको मदद करेंगे अपने डेटा को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रांसफर करने में। और ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसकी ही, इस ब्रांड की ही अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा आपके बहुत ही ज़्यादा फास्ट हाई स्पीड ट्रांसफरिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ, इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेन अनबॉक्सिंग करने से पहले जो मैं आपको कार्ड रीडर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उसका मैं प्राइस आपको पहले ही बता देता हूँ। उसका प्राइस है 599 रुपीज। आप अपने आप जज करिएगा जब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसकी सारी क्वालिटीज के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि आप उसको खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों मेन अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस छोटे से डिवाइस को यहाँ पर मैं निकालूँ तो बिल्कुल एक ये चॉकलेट की तरह दिखता है, बिल्कुल एक छोटा सा, जिस तरीके से हम कैडबरी की चॉकलेट खाते हैं छोटी सी देखिए। बट हाँ बहुत ही ज़्यादा क्लासी है ये, बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। और इसके अंदर जो एक कैप लगे हुए हैं मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ बहुत ही कूल लुकिंग है ये दिखने में, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल। आप इसको अपनी जेब में बहुत आसानी से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं हाई स्पीड डेटा के लिए। और जो हमारे अंदर कैमरा के अंदर जो SD कार्ड लगा हुआ था जिसे हम TF कार्ड बोलते हैं, अगर कैमरा में आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में लगा कर इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें दो तरीके के जैक दिए गए हैं। ये हमारे लैपटॉप में लग सकता है, हमारे कंप्यूटर में लग सकता है, ये USB 3.0 केबल है और यहाँ पर आपको मिलता है Type-C। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी तरीके के यूनिवर्सल USB हो चुके हैं उन सब के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। Type-C फ़ोन ज़्यादातर जो बड़े फ़ोन आ रहे हैं आजकल सैमसंग के और तरह तरह के फ़ोन उनमें ज़्यादातर Type-C का इस्तेमाल होने लगा, तो Type-C आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड लगाकर, एक्सपेंडेबल अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। आप इसको ट्रांसफरिंग यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर। और दोस्तों एक और खास बात मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कुछ अलग ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस USB 3.0 में। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा डिटैच हो जाता है और ये बन जाता है माइक्रो USB। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वाले फ़ोन होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल जैक आते हैं, जब स्मार्टफोन चले ही चले थे तो बहुत माइक्रो USB वाले केबल चलना स्टार्ट होते हैं, जो नॉर्मल तरीके के केबल होते हैं छोटे वाले जिन्हें हम आमतौर पर आम भाषा में बोलते हैं, तो उसके अंदर भी अटैच हो जाता है। आप उसको अंदर लगा सकते हैं और अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और अपनी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, इधर उधर डेटा ट्रांसफर होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है इसके अंदर। और एक और खास बात इसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि TF कार्ड तो इसके अंदर लगी लग जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर USB केबल भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये। इसके अंदर आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का एक स्लॉट दिया गया जहाँ पर आप अपने टक टक करके मेमोरी कार्ड उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा ही बहुत शानदार डिवाइस है। देखिए दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं लेकिन इसका जो ये टच है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर गया। अमेजोन पर अवेलेबल है ये, बिल्कुल मैट फिनिश इसके अंदर दिया गया है। हाँ एक बात मैं कहूँगा कि जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए मैट टच की आवाज़ सुनाता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फील आता है जो हमें एक बहुत अच्छी तरीके से लग्जूरियस फील देता है। और एक ख़ास बात मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, जब हम इसका कैप लगाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत सॉफ्ट तरीके की फील आती है, देख रहे हैं आप, मतलब ये खट से नहीं लगता है, बट हाँ इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है ताकि
ताकि इन दोनों केबल्स को, इन दोनों अटैचमेंट्स को आप बहुत सेफली रख सकें अपने अंदर। और यहाँ पर आप इसके अंदर की चेन भी लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। हीट रेजिस्टेंट है, आप इसको बहुत ही कंसिस्टेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और अप टू 512 GB तक के मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा 3-in-1 है। ये इसका मतलब यह है कि इसके अंदर SD कार्ड भी लग जाता है, TF कार्ड भी लग जाता है जैसे मैंने आपको बताया, और USB केबल भी इसके अंदर लग जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। सारे तरीके के मेमोरी कार्ड्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं, आप इसके अंदर SD कार्ड लगा सकते हैं, HDHC कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं, HDXC लगा सकते हैं और बहुत सारे जितने भी तरीके के आपको मेमोरी कार्ड मिलते हैं उन सबको सपोर्ट करता है और बिल्कुल गुड टू गो है, लगाती काम बिल्कुल स्टार्ट कर देता है। किसी भी तरीके की पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आपको सीधे अमेज़न की वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ जाकर आप इनके प्राइस को अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। इस OTG कम USB पोर्ट की अगर मैं इसको अगर आप इसको जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हम बताइए कि हम और किस किस चीज के ऊपर, आप जिस भी गैजेट के ऊपर कहेंगे हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इसका गिव अवे मैं करने वाला हूं। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए और एक लकी विनर को मौका मिलेगा इसे जीतने का, इसको जीतने का आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे खोजिल के चैनल को। बस दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप खोजिल की वेबसाइट पर जाकर इनके ऊपर लिखे गए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी तरीके के ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड। बस दोस्तों, इसी तरीके से हम सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में।